आप सब लोगों ने कभी ना कभी समोसा जरूर खाया होगा और उसका स्वाद शायद अब तक आपकी जुबां पे हो। आज हम एक कागज से बिल्कुल समोसे के आकार का एक मॉडल बनाएंगे। ये देखने में तो बहुत सुंदर लगता ही है और इसको बनाने में भी आपको बहुत आनंद आएगा। इसके लिए क्या चाहिए? आपको एक A4 साइज का कागज चाहिए और एक स्केच पेन चाहिए। सबसे पहले इस कागज को आप बीचों बीच मोड़ें लंबाई में। उसके बाद ये जो मध्य रेखा है उस पर पेन से निशान बनाएं जिससे मध्य रेखा स्पष्ट दिखे। उसके बाद जो नीचे का बायां कोना है उसको मध्य रेखा तक आप मोड़ें और मध्य रेखा पर एक निशान लगाएं। ये निशान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक समबाहु त्रिकोण बनेगा। उसके बाद इस निशान तक आप कागज को मोड़ दें। फिर कागज को करीब 2 सेंटीमीटर छोड़ करके आप मोड़ें और फिर उसको पलट लें। अब उसके बाद में जो बायां कोना है और इस निशान तक आप मोड़ें, इससे समबाहु त्रिकोण इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी एक भुजा बन जाएगी। इसी तरह से निशान से लेकर के आप दाएं कोने तक मोड़ें, इससे इक्विलैटरल ट्रायंगल की दूसरी भुजा बनेगी। इस तरह से एक बिल्कुल समबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसके तीनों कोण 60 अंश के होंगे और वो जितने भी मोड़ हैं उन सबको आप पेन से निशान लगाएं। फिर एक अन्य इक्विलैटरल ट्रायंगल मोड़ें, देखिए इस तरह से। अब आपके पास में दो समबाहु त्रिकोण होंगे, एक का सिरा दाईं ओर होगा, दूसरे का सिरा बाईं ओर होगा, पर दोनों ही समबाहु त्रिकोणों के सभी कोण 60 अंश के होंगे। उसके बाद आप मॉडल को आधे में मोड़ें और फिर देखिए ये जो छोटे आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इन त्रिभुजों को हमको आधे में मोड़ना है। ये देखिए इस तरह से इसको आधे में मोड़िए और इससे बिल्कुल एक एक मोड़ पैदा होगा जो बिल्कुल एक पहाड़ी जैसा माउंटेन फोल्ड होगा पहले त्रिकोण में, और इसी तरह से दूसरे त्रिकोण में भी एक माउंटेन फोल्ड जेनरेट होगा। इन दोनों जो माउंटेन फोल्ड्स हैं उनको आप बिंदी वाली रेखा से निर्धारित करें। और अब हमारा मॉडल मोड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम तो अंदर की ओर मोड़ेंगे जिससे कि एक चतुष्फलक बन जाए। एक चतुष्फलक एक 3 आयामी आकृति है जो 4 समबाहु त्रिकोणों को मिलकर के बनती है। अब जो बीच वाली हमारी क्रीज थी उसको भी खोल देते हैं, और इसमें एक राज ये है कि जितने भी बाहर के फ्लैप्स हैं वो सब इस मॉडल के अंदर टक कर दिए जाते हैं, घुसा दिए जाते हैं। इससे उसको एक तरह से मजबूती भी मिल जाती है और एक दूसरा तालाबंदी भी होती है। अब ये देखिए ये एक अंतिम सिरा है जिसको भी हम अंदर घुसा रहे हैं और अभी हमारा बिल्कुल समोसे जैसा मॉडल तैयार है। देखिए इसमें 3, इसमें 4 समबाहु त्रिकोण हैं जिनको मिलकर के एक चतुष्फलक या टेट्राहेड्रॉन बनता है, और फिर एक सिरे के ऊपर एक समानांतर एक रेक्टेंगल जैसा बना हुआ है, एक पट्टी है, वो जो समोसे में भी पट्टी होती है उसको पकड़ने के लिए या उठाने के लिए। तो देखिए एक A4 साइज के कागज से आप बिना किसी कोण के एक समोसा मोड़ पाए।